दर्शक बंधु बिना अपॉइंटमेंट रे सब रोग सफल उपचार जानिबा पई हेले एबे ही सब्सक्राइब करंतु आमर YouTube चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ आ बेल आइकन क्लिक कला फल रे आपन हेल्थ रिलेटेड वीडियो सहित रहिबे अपडेट। समस्त को नमस्कार। ओडिसार प्रथम हेल्थ वेब चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ को स्वागत करछि ऋतुपर्णा। दर्शक बंधु आपण माने जानिछन्ति कि एटा गोटे छोटिया प्रयास प्रिकॉशन फॉर हेल्थ रो कि आमे स्वास्थ्यगत रो कोनोसी समस्या बा ताकु नै कि आमे जो चर्चा करछि जने एक्सपर्ट आम सहित रहउछन्ति जे कि आपणकर माने जो दैनन्दिन रो जो प्रॉब्लम रहउछि ता उपर आमे चर्चा करूछे। यस आपण माने एको लाइव देखि पारछन्ति। सबुठ बड़ कथा आला जीवन जिते बड़े आगे को बढ़े आते फास्ट लाइफ भितर आम एत कम व्यस्त रही जाऊे छोट मोड़ जो पेन रोचे आम इग्नोर करूचे हाँ बेले बेले जिते से पेन टी बड़ हो जाए से आ उच एमती कि गोटे शब्द बाहर यही शब्द सहित आम समस्ते अभ्यस्त और अवगत या कष्ट जंत्रणा पेन आम कहूँ आ कष्ट जंत्रणा और पेन जो बहु मात्रा बढ़ी जाए लाइफटा भी आम असह्य हो पड़े। तो ये जो पेन एक्चुअली ये पेन टाक कौन आम सबुदिन दूर कर सबुठ बड़ कथा हूँ कैंसर रो पेन जो कि बहुत कष्टदायक आईटा मत कह तो दरकार नहीं कि डेलीवरी बेले जो लेडीज माने जो पेन निम्ती जीवन सबुठ बड़ पेन से कहा जाए कि से समय स्त्री लोक मान गए द्वितीय जन्म हुए। तो ये जो पेन ये पेन किलर खाईदे कौन ये पेन चली बिल्कुल भी नुहे। सो पेन को आम मूल लाइफ रु ही हटेबार अच्छे। सो पेन फ्री लाइफ को लीड करने आम सहित अच्छा ओडिशार प्रथम पेन फिजिशियन एवं ता सहित पेन फ्री ओडिशार डायरेक्टर आम सहित अच्छा डॉक्टर शोभन कुमार रथ सर। सर नमस्कार सर। प्रथम आम जानापी चाहबू ये जो पेन कथा आम हो विभिन्न प्रकार पेन थाए कैंसर रिलेटेड पेन हो नॉन कैंसर रिलेटेड पेन हो तो ये कितने बड़े बढ़ी जाए माने आमर टिके हाथ तो कौन है पेन किलर खाई दूचे मलम टिके लगे दूचे लगुच ठीक है गला बोली। देखो पेन गोटे एमती जिनस जोटा कि आपणकर कौनसी भी प्रकार जदि कौट इंजुरी है जो थे कि आपणकर नर्व इफेक्ट है से आपणकर ब्रेन को सेन्स कर गोटे प्रकार पेन अनुभव कले तो सेटा बॉडी रे आमर एक्सटर्नली हो पाए इंटरनाली कौन ऑर्गन रे भी हो पाए जदि कौट भी किसी भी इरेग्युलैरिटी है नर्व जोड़ाक अच्छी नर्वर विभिन्न प्रकार सेंसर्स अच्छी से माने सेंस करते ब्रेन को पठाती तो जदि आम ब्रॉडली देखा आम दी प्रकार पेन को डिवाइड करुचे गोटे नंबर वन है बेनाइन कंडीशन जोड़ाक कि नॉन कैंसर कंडीशन कहे से कौन आसडेक् मुंडबिंधा बेक बिंधा आपणकर बैक पेन नी पेन एगुड़ाक सब आसला बेनाइन कंडीशन आउ गोटे आसला कैंसर कैंसर सब प्रकार कैंसर एगेन हेड एंड नेक फेस कैंसर जिते प्रकार कैंसर हो पार सब प्रकार कैंसर तादर आसला तो पेन ए जिनसर माने आपणकर रोग के बढ़ी अच्छी कौ कौ जिनपे से जिनसटार आप सिम्टम्स हिसाब से आसे तो सहीटा को आम कहे पेसेंट पेन अनुभव करणटापर आम जानापी चेस्टा कर कौन कौन कारण आम भी जानापी चाहे कि कौ कारण जो सारा पेन बढ़ी जाए पेन जमी कहली आपन को दि प्रकार जो रहा कैंसर एंड नॉन कैंसर कैंसर रे कौन हुए ना आमर गोटे गोटे टिश्यू पूरा टोटल डैमेज हो जाए जमी सपोज ब्रेस्ट कैंसर है से एरिया रे जो नर्व गुड़ाक रहा से गुड़ाक टिश्यू सांगे डैमेज हुए गॉल ब्लैडर कैंसर है तो आम यूजुअली कौन करूँ ना से नर्व गुड़ाक डिफंक्शनल करा हुए जितेबाला कि पेन कमेवाई तो जानवापी प्रथम आम कौ एरिया पेन आसूगी आम प्रथम एवं फर्स्ट जिनस हूँ जानवर अच्छे कैंसरटा कौटी अच्छी प्राइमरी ओरिजिन कौटी अच्छी किंबा सेटा कौ कौ जगह को स्प्रेड करद्वारा आम जापर जी से एरिया नर्वटा आम एफेक्ट होटा गला कैंसर पेन नॉन कैंसर पेन विभिन्न प्रकार कारण रहा जमी आपको कह नेक पेन बैक पेन एसबू जिन गुड़ाक और डिजेनेरेटिव पेन जोटा कि एज सांगे हुए जोटा कि आम कहू कि एज हेले जो आंठू गंठी बात है आपणकर आंठू भितर रस सुखी जाए आपणकर बोन डिजेनेरेटिव कंडीशन हुए डिस्क गुड़ाक हाइट कमी जाए तो एमती है कि वेरियस कंडीशन जो कि आपणकर विभिन्न प्रकार नॉन कैंसरस कंडीशन गुड़ाक पेन उपजी था। सर आ गोटे कथा बसिया समय रे भी बहुत लोगों को जॉइंट पेन एवं बाहर यंगस्टर्स मान भी बहुत सारा पेन बाहर जो एज रिलेटेड पेन जो आप कहले
ଦେଖନ୍ତୁ ପେନ୍ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଖେଳକୁଦ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବଗେରା ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା, ସେଥିରେ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନିକ୍ ହାବିଚୁଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ସିଟିଂ ଜବ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମେ କହୁ ଯେ ପୋଶ୍ଚୁରାଲ ପେନ୍, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପୋଶ୍ଚୁରାଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ଖାଲି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ନେକ୍ ପେନ୍ ବି ବହୁତ ଅଧିକା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନେକ୍ଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ରହିଲେ। ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ବି ହେଉଛି, ଶୋଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଜ୍, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଏଇ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ସପ୍ ଯାଉଛେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପେନ୍ କିଲର୍ ଖାଇଦେଉଛେ ବା ହାଲକା ଫୁଲକା କେଉଁଠି ବାଜିଗଲା, ମଲମ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ, କାମ ଖତମ, କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ, ଏଗେନ୍ ପୁଣି ହେଲେ ତାକୁ ଖାଉଛେ, ତ ଏଇଟା କେତେ ଖରାପ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କନ୍ସଲଟେସନ୍ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପେନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରୋନିକ୍ ପେନ୍। ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଡ଼ ବାଜିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପେନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପେନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରିଟ୍ ନ କଲେ, ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 3 weeks to 3 months ଅର୍ 6 months ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପେନ୍ କନ୍ଭର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଟୁ କ୍ରୋନିକ୍ ପେନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ନର୍ଭ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏମିତିରେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସପୋଜ୍ କଟିଗଲା, ସେ ଜାଗାଟାରେ ଖାଲି ଆପଣ ସୁପରଫିସିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ନର୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିକି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସୋ କ୍ରୋନିକ୍ ପେନ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଉଛି ଇନିସିଆଲି, ନିଜ ହିସାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ମେଡ଼ିସିନ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଆମେ କ'ଣ ନା, ବହୁତ ହାଇ ଡୋଜ୍ରେ ଦୋକାନୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ନେଇଗଲେ ଟେମ୍ପରାରିଲି, ସପୋଜ୍ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ନେଲେ, ସପୋଜ୍ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ 10 ଦିନ ଖାଇବା କଥା, 2 ଦିନରେ ଟିକେ ପେନ୍ କମିଗଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ କମିଲାନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମିଲାନି, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋନିକ୍ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ଥାଏ 10 ଦିନ ଖାଇବ କି 3 ଦିନ ଖାଇବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ୟାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମେଜର ଆନାଲଜେସିକ୍ ଗୁଡ଼ାକର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର GI ବ୍ଲିଡ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଅଲସର ହେବା କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ ଏଫେକ୍ଟ ହେବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମେଜର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଲୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେନାଲ୍ ଫେଲିୟର୍କୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ହାଇ ଡୋଜ୍ରେ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁଟାକି କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପକାଇବ, ବହୁତ ହାଇ ଡୋଜ୍ରେ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ଆନାଲଜେସିକ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପେଟରେ ବି ଅଲସର ହେଇପାରେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିଲାଗି କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପର, କାହିଁକିନା ଏବେ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କାଫି କମ୍, ଆଉ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଭିନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 50 ଆମେ ସେ ପେନ୍ କିଲର ଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଦେଇପାରିବା ଫର୍ ଏ ପ୍ରଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ୍। ସେଇ ପେନ୍ କିଲର ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରପର୍ଲି ଡୋଜ୍ ନେବାର ଅଛି ଯେତିକି ଦିନ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାହେଉଛି। ନହେଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ପେନ୍ଟା ଯଦି କ୍ରୋନିକ୍ ପେନ୍, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ମାଇନର୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ହେଲା, ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଟିୟର୍ଟେ ହେଇଛି, କିଛି ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି, 6 ମାସ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି। ହଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଠିକ୍ ହେବନି। ସେଇଥିଲାଗି କୁହାହୁଏ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବା ଆଗରୁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପେନ୍ ଫିଜିସିଆନ ଆପଣ, ମାନେ ପେନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଜନ୍ମଠୁ ନେଇ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଇଫ୍ରେ ପେନ୍ ଥାଏ, ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର। ତ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର କ'ଣ କାମ ଏବଂ ସେଠି କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ର କନସେପ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ରୋଲ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କଙ୍ଗ୍ଲୋମେରେଟ୍ କରିକି, ମାନେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି 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 ପୋର୍ସନ୍ସରେ ଆମେ ହେଲ୍ପ ନେଉ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ମାନେ ନିଜ ଇଏରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦିଏ। କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ବାକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଲ୍ପ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରୁଛେ ପ୍ରପର୍ଲି କ'ଣଟା ହେଇଛି। ଆମର ମେନ୍ ରୋଲ୍ ହେଉଛି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରୁ। ଯେମିତି ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ କରାହୁଏ ନା, ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆବ୍ଲେଟ୍ କରାହୁଏ ବା ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାହୁଏ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡ଼ର କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ସେଇଟା ସିଲିଆକ୍ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ନର୍ଭ ଅଛି ଯେଉଁଠୁକି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭ ସପ୍ଲାଇଟା ଆସୁଛି। ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁ ନା, ସେ ନର୍ଭ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ଟାକୁ ଜଳେଇ ଦିଆହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ପେନ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
तो सेमती सब एरिया कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी एवं सपोज एटा कैंसर नन कैंसर आप सपोज देखिए आपर शोल्डर जॉइंट सपोज पेन हो जोटा कि आम गोटे कलोकल लैंग्वेज में कहते फ्रोजन शोल्डर है हाथ उठे होम करहनी लुगा पिंधि हो तो से आम कौन करूँ ना कि इंजेक्शन्स अच्छी एडवांस्ड इंजेक्शन्स जमीक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अच्छी किंबा रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन गोटे नर्व्र कराए जद्वारा कि आप पेन कमे पारे आ फिजिओथेरापी को आक्टिवेट करेंगे कहीं पेन थिला बेले जने एक्टिवली फिजिओथेरापी करि परिबोनी तो से जिनसटा पई आमे पेन टाकु कम करू सो दैट से इजिली एक्सरसाइज एंड बाकी सब जिनस करि परत पेन क्लिनिक रो बेसिक रोल होची मेडिसिन आउ सर्जरी रो गैप टा बढेबा माने आइदर आपण मेडिसिन नहीं नहीं बहुत दिन हेलानी ट्रीटमेंट हेई पारुनी किंबा आपण सर्जरी करै पारु नाहंती फाइनेंशियल कंडीशन जको और सर्जरी करैया पई आपणकर बहुत सारा साइड इफेक्ट होत माने जेंति कि मोर हार्ट डिजीज अछि मोर बाईपास सर्जरी हेछि मु आउ सर्जरी करै परबिनी कॉम्प्लिकेशंस रा रिस्क अछि तो एई सब क्षेत्र आपन बॉडी टा अलाउ करू अलाउ करूनी से सब कंडीशन आमे किछिटा इंटरवेंशन करू जो इंटरवेंशंस रे पेशेंट कर बेसी किछि साइड इफेक्ट आसीबार नै किंतु पेन टाको आमे लागबो करि परियो आउ एटी बहुत गुड़े एडवांस जिनस एवं करा होची जमीक गोटे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा दिया होची जोटा कि आपण ब्लड रु रक्त रु प्लेटलेट छणा हाब गोटे स्टेम सेल भाया से आपंकर जॉइंट्स गुड़ाक इनफ्यूज करा हुए नी पाई भी ये पाई भी सो गोटे प्लाज्मा मैंने आपण बडी जिन गोटे बडी पार्ट्स को दिया हम बस आउ गोटे रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन एमती किसी किसी जिनस जोटा कि पेन क्लिनिक्र स्पेशलीटी अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्लॉक्स करा होची सीएम गाइडेड ब्लॉक्स करा होची तो एक किछिटा जिनस जोटा कि स्पेसिफिक टू पेन क्लिनिक आ सबुठ बड़ जिनस नो एनेस्थेसिया नो हॉस्पिटलाइजेशन जोटा कि सबुठ बड़ माने यूजुअली आपण सर्जरी करैले हॉस्पिटलाइजेशन दरकार एनेस्थेसिया दरकार एगुडा सब लोकल एनेस्थेसिया रे हुए एडमिशन दरकार हुए नहीं डे केयर प्रोसीजर हिसाब से हुए खर्च काफी कम तो सब जिनस गुडा आउ सबुठ बेस्ट जिनस होची एज रो कोनसी प्रकार बार नहीं आबाड़ वृद्ध वनिता जो जमती कहते समस्त लागू करा जाई पारे और सब एज ग्रुप रे ताकु यूज करा जाई पारे सर जमती आपण कहिले बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी रे होची लोक मन रे भी एबे प्रश्न आसीबो ताले जदी गोटे पेन किलर खाइले हमर पार्श्व प्रतिक्रिया अछि साइड इफेक्ट्स अछि यार साइड इफेक्ट्स कर तरंतु लॉन्ग जदी मु यंग एज रे गोटे कोनोसी क्वालिटी पेन मोर थेरेपी ताले इन फ्यूचर लॉन्ग डेज परे किछि साइड इफेक्ट्स हबो कि छुआ बळे करथिले एडल्ट रे हबो कि ना सेमती यूजुअली आम जो प्रोसीजर गुड़ा करूँ ए साइड इफेक्टर चांसेस बहुत कम कहीं किसी गोटे जिनस परमानेंटली डैमेज बेनाइन कंडीशन में कराए जमी मुझे आपको कैंसर क्षेत्र में आम सपोज देखु जनकर लाइफ स्पैन बहुत कम अच्छी सपोज जन छमास बच किंतु तार पेन एत सीवियर किसी कर नर्व गुड़ाक डैमेज करूँ आम जानते सी नर्व डैमेज है बेस किसी फरक पड़ो आई जो नर्व गुड़ाक सांगे आम व्ले बेसिकली दे आर सेंसोरी नर्व जो मैंने कि आपंकर पेन टाक क्यारि करते आपंकर मोटर नर्व देख नर्व दि प्रकार सेंसोरी मोटर सेंसोरी काम है पेन क्यारि करवा मोटर राम है आपंकर हाथ गोड़ हलैवा आम कौन प्रकार मोटर नर्व्रे कि कराए तो आपंकर चलवा बुलवा खाइबा पीवा मुहर ये किसी जिनस चेंज हेनी एवं गोटे नर्माल जिनस देखो ए ट्राइजेमिनाल न्यूरालजिया गोटे डिजीज अच्छी जो थे कौन हुए ना आप फेस रे सीवियर करंट मारा भाया पेन हम लोक कथा कही पारिबोनी बंके जाय मुह नै मुह बंकिबोनी सेटा तो पैरालिसिस हि जाउछ एथरे पार्टिकुलरली कोन ना टिपिकल पेन हबो गोटे रेडिएटिंग पेन ब्रश कले पवन बाजिले जहा हेले बे सीवियर पेन हो सेठी गोटे सिंपल कोन रेडियो फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन रे जाय कि ब्रेन रो तळे गोटे अछि गैंग्लियन पोडी देले सरला सेथरे आ पेशेंट को 3-4 वर्ष पर्यंत पेशेंट पेन फ्री रहला मेडिसिन दरकार नै साइड इफेक्ट हबार नै घंटे भितर पेशेंट घर पळेला तो एई सब जिनस गुडा को बहुत माने कोन यार साइड इफेक्ट डेलिकेसी हम कह परबा हां किंतु साइड इफेक्ट किछि ऑलमोस्ट नहीं बहुत माने नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट जोटा कि आपन डे टू डे लाइफ रे कोन किछि हैम्पर कर किछि हैम्पर करियो सर जिम कैंसर कथा ही कहले मो नेक्स्ट प्रश्न भी से कोन कि कैंसर पेन टा बहुत कष्टदायक माने आपन जे पेन नो थिवो से तो जहा कष्ट पाइबो देखिला लोकन को भी बहुत कष्ट लागे तो सेटा पेन क्लिनिक रे केमती ट्रीटमेंट करा जाय सेई पेन उडा को आपन केमती ट्रीट करंती देख कैंसर पेन ने जमी आप कहली कैंसर रे प्राइमरी कैंसर मेटास्टेटिक कैंसर दि प्रकार जिनस प्राइमरी कहले आप जो जगह प्रथम कैंसर उपजिला एवं सपोज खाली गॉल ब्लैडर कैंसर आम देखिए जो तो आम प्रथम देखूजे से एरिया किसी पर्टिकुलर नर्व सप्लाई अच्छी कि जदि किसी अच्छी पर्टिकुलर नर्व सप्लाई से नर्व सप्लाईटा को डिफंक्शनल कर दिया सर ये गोटे अटकवाप चाहिए ये आप कौन जब फर्स्ट बा सेकंड स्टेज एडवांस स्टेज इनिशियली कौन आम एडवाइस करूँ जे कैंसर एनी कैंसर पेशेंट डे वन डायग्नोसिस टाइम रू
पेन एंड पैलिएटिव थेरेपी कंसल्टेंट को देखेबा कथा आइथिला कि कारण किछटा मेडिसिन सम प्रेस्क्राइब करू जोडा को आपनकर नर्व रक सेंसरी इफेक्ट को कमे कि रखे प्रथम दिन रु सेटा नेले कोन आपनकर एडवांस स्टेज हेला बेलकु से पेन रो लेवल टा टिके कमे कि जेथबो सो सेथिलागे आपनकु बहुत अधिका खर्च भी करिवार नाही से सिंपल मेडिसिन्स किछटा आछे जोडा कि आपन लॉन्ग रन रे नै परिवे जोडा को सपोज एडवांस कंडीशन रे भी रहिला सेठी आप नर्व ब्लॉक करि परियो जेमती कहले जो जो जगह रे इवन आपनकर यूट्राइन कैंसर अछि सपोज कि सर्वाइकल कैंसर अछि से जगह ब्रेस्ट कैंसर अछि से एरिया रे जो नर्व अछि नर्व गुडा को दीटा आकार रे ब्लॉक करा हुए आइदर हमें प्योर एसिड बा अल्कोहल देकी पोड़ी दिया जाए नहले गुडा रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन द्वारा नर्व टाकु जळे दिया हुए एबे यूजुअली देखिबे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स मानकर पोस्ट सर्जरी गोटे हाथ प्रबल रूपे स्वेलिंग हो तो से कौन करेटी ये गोटे स्टिलेट गैंग्लियन अच्छी जोटा कि ये हाथ र सप्लाई को पूरा टोटल कंट्रोल करे तो सेटा को आमे चाहिले अल्कोहल देकी जलई पार कि रेडियो फ्रिक्वेन्सी ए साइड इफेक्ट किसी ना कि पेसेंटर अलमोस्ट गोटे 50-70% पेन रिड्यूस हो कैंसर रे आमर कौन दरकार पेन कमिबो एवं लोकंर लाइफ स्टाइल टिके बेटर हो पार मानते क्वालिटी अफ लाइफ मानते एमती न हो जो मत कैंसर हो मरबी तो कौन अच्छी तेणु पेन में मरे कमी सेमती नहीं मैंने आपंकर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करेंगे सो दैट जो कहते ना स्वाभिमान सहित मरवि सेमती गोटे जिनसा रही है जोटा कि यूजुअली लोक मैंने कौन करुँचे इनिशियल फेज्रे से मानने रेडियोथेरापी केमोथेरापी बाकी सर्जरी यही सब भितर जी खर्च करुँचे से लास्ट बेलू आउ पेन पाई सेते की खर्च करिया पे भाबु ना जो नहीं लोको भाबु थिबे एटा मे बी बोधे बहुत कॉस्टली हेथिबो अफोर्ड करि होनी तो सेमिति एक्चुअली जिंसो नाही बहुत स्पेसिफिक जिंसो जोडा को की कॉस्टली अछि सेटा जो माने अफोर्ड जेमति कॉस्टली जिंसो भितरे गोटे ही मात्र अछि गोटे स्पाइनल कॉर्ड पंप को हवे जोटा कोन करा जाय ना आपण एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर रे मॉर्फिन दिया जाय जोटा की ओरली नेले साइड इफेक्ट बहुत आमर गोटे मशीन आसुची जोटा की आपण जेमति हार्ट रो आमर मशीन गोटे था पेसमेकर सेमती गोटे मेसीन जोटा कि आप स्पाइनल कॉर्ड भितर कम्प्लीटली पूरेकि रखिदे पारे जो थ्रु कि परमानेंटली मॉर्फिन रिलीज हो तार डोज 1/100 ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग इन ओरल डोज तो साइड इफेक्ट बहुत कम किंतु गोटे जिनस सेटा कॉस्टली अराउंड 5-6 लाख टाँग खर्च हुए बट आपणकर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़े पार तो जो मैंने अफोर्ड कर पार्टी ठीक अच्छे ना बाकी समस्त जमी कहली आम नर्व ब्लॉक कर परिबा एब्लेशन कर परिबा ए सब जिनस रे आपणकर पेन को लागू कर सर जमी कहले गोटे टाइम थे को टाइम माने यार एते भी अवेयरनेस है ना लोक के भावती फर्स्ट स्टेज जो कैंसर डिटेक्ट है मग गोटे पेन फिजिशियन पाखक जी से भावे मुझे कैंसर सर्जन पाखक जी जो ये कह तो केतबाड़े जावा कथा जमी कहले फर्स्ट डे रु बट एनी चान्स बै चान्स अच्छी ना मोर एनी एवं जाए करी मत ट्रिटमेंट ही दरकार पड़बनी बाठ मो कैंसर जो ईटा भल हो आम यूजुअली से लगे आम जी कैंसर रिलेटेड डॉक्टर्स अच्छा जो मैंने कैंसर ट्रीटमेंट करुँच अवेयर करुचु आउ सब हस्पिटाल प्रायतः गोटे पेन एंड पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट खोलने चेष्टा चलती जो थे कि कौन ना ये जिनसटार अवेयरनेस बढ़ डॉक्टर मानक जे इनिशियल स्टेजेस रु किटा कनसल्टेसन कौन पेसेंटर बहुत गुड़े नर्व पेन को आम इनिशियल स्टेजेस रु ही कंट्रोल कर जो स्टेज रे भी हो एमती नाई जे फर्स्ट डे ऑफ डायग्नोसिस आसीबार अछि जो भी स्टेज रे पॉसिबल दे शुड कंसल्ट वंस सो दैट एडवांस स्टेज हेला बेलू आपणकर से पेन रो मात्रा से नथिबो जो थे कि आपको लगे जो मुझे सुसाइड कर देबी सेमती नथिबो तो एटलिस्ट दे कैन कंट्रोल विथ देयर पेन सर जो नर्व्स रिलेटेड जहाँ भी प्रॉब्लम हुए बेसिकली सर बहुत कष्ट हुए बिकज जमी कह नर्व्स हाथ उठे पारे नहीं डे टू डे लाइफ काम करें तो पेन क्लिनिक रे केमती से ट्रीट करा जाए देख जिनस हूँ दुटा गोटे है डायरेक्टली इंटरवेंशन जोड़ा आपको कहली एनी काइंड ऑफ ब्लॉक आउ गोटे जिनस पेन क्लिनिक रोचे पैलेटिव केयर पैलेटिव केयर हूँ से पेसेंट्स जो मानकर सपोज एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर अच्छी कॉम्प्लिकेशंस हो कौन प्रकार आम करूँ मैंने ट्रीटमेंट बेसिकली कराऊनि से सपोर्टिव थेरेपी दिखाई से मानकटा गोटे भल जिनस कहल दैट इज कॉल्ड पेन एंड पैलेटिव केयर थेरेपी तो पैलेटिव केयर में आम एडवांस एटा केवल कैंसर नुहे एनी काइंड ऑफ स्ट्रोक पेशेंट जो माने बेड रिडन होकर अच्छा एनी अदर डिजीज जो थी कि पेसेंट बेड रिडन होकर अच्छी ओल्ड एज पेसेंट्स अच्छा तो पैलिएटिव केयर इनवॉल्व्स एवरीवन कैंसरस पेशेंट्स नॉन कैंसरस तो सब पेशेंट्स को इनवॉल्व करे जो थे कि पेशेंट्स को आम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चेष्टा करूँ सांगे इंटरवेंशन्स भी रहे ये जो प्रकार इंटरवेंशन्स आपको कहली
ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଏବେ ଆସିଛି, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ପ୍ୟାଚ୍ ଆସିଗଲେଣି, ଆପଣ ଆଉ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଲଗେଇବାର ଅଛି। ପ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ ସେ ପ୍ୟାଚ୍ରୁ ହିଁ ମେଡିସିନ୍ସ ଆବଜର୍ଭ ହେଇକି ଯିବ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କ ଫର୍ 7 ଡେଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ମାନେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଟାବଲେଟ୍କୁ ବି ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ସ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆଭଏଡ୍ କରିହେଉଛି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟସ୍ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ବି ଦେଖାଯାଏ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ତାପରେ ବି କିଛି ଜିନିଷର ପେନ୍ ହୁଏ, ବା ଯେଉଁ ଜାଗାର ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ପେନ୍ ହୁଏ, ତ ସେଠି କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ? ପ୍ଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଜୁଆଲି ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଜିକାଲ ପେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏପିଡ୍ୟୁରାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ, ଯେଉଁ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଏପିଡ୍ୟୁରାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ହେଲା, କିମ୍ବା ଯଦି ହାତର ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ବ୍ରାକିଆଲ ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ହାତକୁ ସପ୍ଲାଏ କରେ, ତାକୁ ଟେମ୍ପରାରିଲି ବ୍ଲକ୍ କରାହୁଏ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଞ୍ଜ ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓରାଲ୍ ଟାବଲେଟ୍ସ କିମ୍ବା IV ଡ୍ରଗ୍ସ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଜିକାଲ ପେନ୍କୁ ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରା ହୁଏ, ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପେନ୍ଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାହେଇନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଜିଓନାଲ୍ ପେନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସର୍ଜରୀ ଆଜି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ଷେ ପରେ ଆସି କହୁଛି ମୋତେ ସେ ହାତରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ହାତ ସ୍ୱେଲିଂ ଅଛି, ପେନ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ବିକଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ସର୍ଜରୀ ହଉ କି ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପ୍ରପର୍ଲି ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେୟାର୍ ନିଆ ହେଇନି, ତା ଲାଗି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରଫି ବୋଲି କହୁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ବି ସେମିତି ବ୍ଲକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ କରିପାରିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଠିକ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍, ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ କହିଲୁ ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଦାୟକ, ତ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ବି ହଉ, ସର୍ଜରୀ ହେଇକି, ତ ସେଇଟା କେମିତି ଟ୍ରିଟ କରାଯାଏ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ରେ? ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ଲେସ୍ ଡେଲିଭରି କୁହାହୁଏ। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ଅପ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ଆନାସ୍ଥେସିଷ୍ଟ 24 hours ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିପାରିବେ, ସେଠି ପେସେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ଟେ ଦିଆହୁଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଡ୍ରଗ୍ ଦେଇଚାଲୁ। ତ ପେସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ର ପେନ୍ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବନି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ବି ହେଇପାରିବ ପେନ୍ଲେସ୍ଲି, ଇନକେସ୍ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ବେବି ସପୋଜ୍ ଅଟକିଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ପସିବଲ୍ ହେଉନି, ଆପଣ ତାକୁ ସିଜେରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି କରିପାରିବେ ସେଇଥିରେ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ଲି ବେବି ଡେଲିଭରି ପରେ ବି 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିରେ ହିଁ ଡ୍ରଗ୍ ଦିଆହେଉଥିବ। ସୋ ପେସେଣ୍ଟର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପେନ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଯେଉଁଟା 100 times ଅଛି ପେନ୍, ସେଇଟା 10-20% ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପେସେଣ୍ଟର ପେନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିଲ୍ ଭଳିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲେବର ଆନାଲିସିଆ ବୋଲି, ପେନ୍ ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା, ପେନ୍ ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି। ସାର୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି ପେନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା, ତାପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେବଳ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ନର୍ଭଟାକୁ ଆବ୍ଲେଟ୍ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭର ପେନ୍ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି କମ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ହେଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା, ଫୁଡ଼ିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଫିଜିଓଥେରାପି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏବେ କେତେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଯେମିତି କହିବି ଫ୍ରୋଜନ୍ ସୋଲ୍ଡର, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଉଠାଇବାରେ ପେନ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତ ତା'ର ମେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଫିଜିଓଥେରାପି ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ୱି ମେକ୍ ଦେମ୍ ରିଅଲାଇଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆପଣ ଫିଜିଓଥେରାପି କରନ୍ତୁ। ତ କେତେଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୋ ନୋ ଅଦର ଅପସନ୍ସ। ସାର୍, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି? ମାନେ ଏ ତ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଓଭରାଲି କଥା ହେଲେ, ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏବେ ବି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ସେଠି ବେଶୀ ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ମେସେଜ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନଥିଲା, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପେନ୍ ଫ୍ରି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବି, ଲାଷ୍ଟ 10 years ହେଲାଣି ଆମେ ୱି ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଦିସ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆବ୍ଲେସନ୍ ହେଲା ଏବଂ PRP ଥେରାପି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି।
ता छड़ा भी एबे प्रायतः सब हॉस्पिटल ले धीरे 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 चेष्टा चलछी। हमर कलीग्स माने भी आसिलेनी जो माने प्रथम बाहर थिले तो से माने भी धीरे 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 ओडिसा को रिटर्न करलेनी। सो इन एवरी हॉस्पिटल वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश वन डिपार्टमेंट लाइक पेन फ्री ओडिसा जो थे कि जड़े पेन फिजिशियन रहिले जमती कि से माने डॉक्टर्स मानक भी अवेयर करे परिवे ता छड़ा जो माने लोक आउछन ताकु भी अवेयर करे परिवे जे दिस इज अ डिपार्टमेंट जोटी के आपण हेल्प नहीं पारे जितेबाला आपण सर्जरी चाहू नहांती बा सर्जरी करई पाउ नहांती एवं मेडिसिन्स नहीं नहीं आपणकर साइड इफेक्ट बहुत बढ़ल। सो दिस गैप कैन बी मेंटेन बाय पेन पेन क्लिनिक। सर आउ गोटे कथा एमती बेले बेले हुए कि एमती किसी केस आसी जाए जो हैंडल करे को बहुत कष्ट हुए तो लाइक बीइंग अ पेन फिजिशियन आपण को जिनस प्रति बेसी ध्यान दे थांती लाइक जेमती आपण कहले साइड इफेक्ट होउची एपटे ऑपरेशन बा सर्जरी करे होनी तो एक्चुअली सेरा केते टफ थाए जडे पेन फिजिशियन पई के देखन बहुत गुडे केसेस आसे जोठी के हमें जाने छु जे सर्जरी निहाती दरकार किंतु पेशेंट रो कॉम्प्लिकेशंस अछि सर्जरी करे हो तो हमें सेटा पेशेंट्स को एक्सप्लेन करू एक्सप्लेन करला परे ही वी गो फॉर सम प्रोसीजर एमती नाही जे जे भी पेशेंट आसला ताको किछो इन्वेस्टिगेशन करियार अछि बा हम इंटरवेंशन करियो जदि कोनोसी कारण हमहु लागुछि जे नाही सर्जरी दरकार किंतु करे होनी देन वी एक्सप्लेन देम सेटा गोटे। सेकेंड जिनस है जो मैंने क्रोनिक पेन रे थांती सेमानकर साइकेट्रिक इश्यूज बहुत थाए कहीं बहुत दिन धरी पेन रही 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 मुंडरे गोटे चलती हो जे डिप्रेशन आ जाए थे इमोशनली से माने ब्रेकडाउन ही तो सेठी आमे साइकोलॉजिस्ट आ साइकेट्रिस्ट मानकर हेल्प नो जो थरे कि पेशेंट काउंसलिंग करी हबो जो थरे कि आमे किछि दिन पर्यंत तांकर मेंटल काउंसलिंग करी कि धीरे 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 अपलिफ्टिंग करी परबा सो दैट आपनकर थेरेपीटा विल वर्क प्रॉपर्ली नहले खाली मेडिसिन्स देके हम जदि भाबीबा जे नाही पेशेंट रो पेन कमिला किंतु मेंटल इमोशनल पार्ट तर जो पेन टा सेटअप तो केही डील करना तो से जिनसटा को भी हमको देखियो पड़ियो हेले धीरे 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 तो कहले इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो थरी के हमको बाकी डिपार्टमेंट रो भी हेल्प नबा हां सर लास्टली कोन कहिबे समस्त लास्टली गोटे ही जिनस कहिबी जे आपनकर कोनोसी प्रकार रो भी पेन हो आपण पेन फिजिशियन को कंसल्ट करंतु निजे निजे कौनसी मेडिसिन्स मेडिसिन शॉप रु परचेज करके नियंतुनी कारण तार साइड इफेक्ट बहुत अच्छे जोटा कि लॉन्ग रन रे आपण भाबी भी पारिबे नी तो जणे प्रॉपर पेन फिजिशियंस को पचारी आपण मेडिसिन्स नियंतु जेतिक ड्यूरेशन पई दरकार सेतिक ड्यूरेशन पई नियंतु जोटी दरकार किछि इंटरवेंशन इंटरवेंशन करंतु पेन टा हो एमती छोटो पेन अछि कि बड़ो पेन अछि भाबी कि ताकु इग्नोर करंतुनी काहे कि परवर्ती क्षेत्र रे जदि आमे एमती एही इग्नोरेंस जगु क्रोनिक पेन ने डेवलप कला ताहले तार ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हे जीव। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी आउ पेन फ्री रोहंतु जोटा कि हमर मेन मोटो पेन फ्री ओडिसा रा पेन फ्री रोहंतु। बिल्कुल सर थैंक यू सो मच आमे भी आज पेन फ्री भाबरे डिस्कशन करले होपफुली बहुत लोग रिलीफ हेथिबे रिलैक्स हेथिबे चलो अबे कोनसी भी पेन पई पेन फ्री ओडिसा बा पेन क्लिनिक को जिबे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्युएबल टाइम एंड वैल्युएबल सजेशन थैंक यू सो मच। सो बिल्कुल यंगस्टर्स माने खास करके जितेबले आपण माने बहुत समय धरी मोबाइल धरुचंती काम करुचंती बसी रहुचंती लाइफटा एकदम स्टेबल हेजिबो बोली आपण भाबुचंती सेतेबले जितेबले भी पेन होची सेतेबले मुंडो को पेन नियंतु नाही सीधा पेन क्लिनिक जांतु एंड निजो को पेन फ्री रखंतु इमोशनली भी मेंटली भी आउ फिजिकली भी आउ हेल्थ रिलेटेड जहाँ भी आपणकर इश्यूज रही आपणकर वीडियो रही आपने प्लीज आम सहित कांटेक्ट करें प्रिकॉशन फॉर हेल्थ चैनल को आप फॉलो करें यूट्यूब मध्यम इंस्टाग्राम मध्यम फेसबुक मध्यम ट्विटर मध्यम सो आपर जब भी किसी प्रश्न रही एंड आगे जब आउ को विषय आप चाहूँ डॉक्टर सहित एमती कनसल्टेसन हो वीडियो तैयारी कराओ तो प्लीज आप पेन फ्री है कि फील फ्री है कि आप माने हमको जाने पारबे। सो सुस्थ रहंतु खुशी रे रहंतु नमस्कार दर्शक बंधु बिना अपॉइंटमेंट रे सब रोगर सफल उपचार जानिबा पई हेले एबे ही सब्सक्राइब करंतु हमर YouTube चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ आ बेल आइकन क्लिक कला फळ रे आपण हेल्थ रिलेटेड वीडियो सहित रहिबे अपडेट।